दोस्तों, तो मैंने आपसे एक वीडियो में बोला था कि आपकी एक मिस्टेक हो सकती है अगर आप कम्प्लीटली या सोलली ऑफलाइन मटेरियल पर डिपेंड करें और बिल्कुल भी ऑनलाइन मटेरियल पर फोकस ना करें। तो इस वीडियो में मैं आपके उस डाउट को क्लियर करना चाहता हूँ जो मैंने वहाँ पर अधूरा छोड़ा था और बोला था आगे की वीडियो में कवर करूँगा। तो इसमें मैं बताऊँगा कि कैसे आप ऑनलाइन रिसोर्सेज को या फिर टेक्नोलॉजी को यूपीएससी के लिए यूज़ कर सकते हैं, कौन कौन से ऐप्स, कौन कौन सी वेबसाइट्स इंपॉर्टेंट है यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। और अगर आप इस वेबसाइट्स को फॉलो करेंगे, इस यूजुअली ऐप्स को फॉलो करेंगे, सो आपको यहाँ पर हमेशा ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। यहाँ पर जो भी आपको मिलेगा काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको वेबसाइट्स बताऊँगा जो लोग पीसी यूज़ करते हैं, तो पहले उनके लिए बताऊंगा वेबसाइट बताऊंगा, इसके बाद ऐप्स बताऊंगा, ठीक है। तो वैसे भी मोबाइल में भी आप ये वेबसाइट्स ओपन कर सकते हो कि मोबाइल भी तो गूगल होता ही होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट वेबसाइट है तो वो है मृणाल की। सो मेरी टॉप लिस्ट में हमेशा मृणाल रहेगी, जो mrunal.org.in। अगर आपको सी सेट की प्रिपरेशन चाहिए या फिर काफ़ी टॉपर्स के ब्लॉग चाहिए लाइक गौरव अग्रवाल सर एंड ऑल, तो वहाँ पर आपको कम्प्लीटली सोलली मतलब कैसे प्रिपरेशन बेसिक से चालू करना। मान लीजिए आपने आज अभी तक आप साइंस में थे, आपको आपने आज अपने पापा मम्मी से बोला पापा मम्मी मैं आईएएस बनूंगा, तो कैसे आपको आगे बढ़ना है वो मृणाल से अच्छा आपको कोई नहीं बता सकता। मतलब वहाँ पर कम्प्लीटली आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही मिलेंगी। और मृणाल सर ने ऐसे के टॉपिक्स भी अप्रॉक्सीमेटली 158-159 टॉपिक्स बताए थे, ठीक है। और भी मतलब काफ़ी वो टाइम टू टाइम अच्छे ब्लॉग्स और जितनी भी आपको पीडीएफ चाहिए किसी भी बुक की, न्यूज़पेपर चाहिए, इंडिया एयर बुक चाहिए, फिर कैसे उसको पढ़ना है, सारी की सारी चीज़ आपको मृणाल की वेबसाइट में मिलेंगी। और इतना ही नहीं, आप यूट्यूब चैनल में जाएंगे मृणाल के, तो वहाँ पर आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर मिलेंगे, बेस्ट लेक्चर होते हैं, किसी को कोई भी कुछ जानने की जरूरत नहीं है, कहीं भी नहीं देखना, सीधे मृणाल के लेक्चर को देखो। ज्योग्राफी के बेस्ट से बेस्ट लेक्चर मिलेंगे, मेरी पर्सनल गारंटी है, मैंने खुद देखे उन लेक्चर्स को। और फिर हिस्ट्री के अच्छे लेक्चर्स हैं और काफ़ी भी मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर्स भी उन लोगों ने डाल के रखे हैं, और इकोनॉमिक सर्वे भी सर अपलोड करते ही रहते हैं, ठीक है। इसके बाद आती है हमारे एक ऑल इंडिया रैंक 18 के द्वारा फाउंडेड अन अकेडमी, वो भी काफ़ी अच्छी है। वहाँ पर एजुकेटर्स काफ़ी ऐसे लाइक रोमन सेनी सर, दीपांशु एंड ऑल, ये लोग काफ़ी अच्छी मतलब नॉलेज देते हैं। उनके अभी जो कोर्सेज चालू हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो अन अकेडमी भी आप रेफर कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। और फिर इसके बाद फोरम आईएस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इंटरव्यू या फिर आपकी क्वेरीज आती है, वैसे तो आपकी क्वेरीज जो भी आएंगी अगर आप मुझे पर्सनली मेल करेंगे तो मैं ज़रूर शेयर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। आपसे जल्दी जल्दी उनसे कांटेक्ट में आऊँगा या फिर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, बट अगर आपको मेरी तरफ से रिप्लाई नहीं मिलते हैं, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो हम बात करते हैं फोरम आईएस की, तो फोरम आईएस में आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प मिल सकती है, वहाँ पर आप क्वेश्चंस डिस्कस कर सकते हैं, और आपको कोई डाउट आता है या फिर कैसे कोई चीज़ पढ़नी है या जो भी चीज़ आती है फोरम आईएस में डिस्कस कर सकते हैं। साथ में आप कोरा भी एक वेबसाइट है जहाँ पर आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वहाँ पर आप काफ़ी अच्छे अच्छे लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा आता है विकिपीडिया, विकिपीडिया इज़ अ सोर्स ऑफ नॉलेज, आपको कोई भी टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको विकिपीडिया में मिलेगी, ठीक है। अगर आपको विकिपीडिया समझ में नहीं आती है तो आप बोलिएगा, मैं उसके ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा उस टॉपिक के ऊपर, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी, या फिर मैं आपको पर्सनली फोन में ही एक्सप्लेन कर दूंगा वो टॉपिक, ठीक है। फिर आता है हमारा पीआईबी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार जो एक मेंस का क्वेश्चन आया था GS1 में कि क्रायोस्फीयर का इम्पैक्ट क्या पड़ता है ग्लोबल क्लाइमेट में, तो वो क्वेश्चन पीआईबी से ही आया था, और काफ़ी जो प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आते हैं वो पीआईबी से ही देखे जा रहे हैं, तो आप पीआईबी की वेबसाइट ज़रूर चेक करें। तो पीआईबी के लिए आप क्या कर सकते हैं, पीआईबी की वेबसाइट में जाइएगा, वहाँ पर उसके मेन्यू के ऑप्शन में जाइएगा, वहाँ पर लिखा रहता है सब्सक्राइब, तो आप वहाँ पर अपना ईमेल डाल दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, तो आपके ईमेल में मतलब जो ईमेल अकाउंट होता है वहाँ पर आपको दो बार, एक बार दोपहर में 2 बजे और रात में 9 बजे आपको यूजुअली वहाँ से मेल प्रोवाइड हो जाएगा, तो आपको बार बार उसकी वेबसाइट चेक नहीं करनी पड़ेगी, सीधे आपके मोबाइल में या फिर लैपटॉप में ही ईमेल आ जाएगा पीआईबी की तरफ से, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा पीआरएस में जो लोग बोलते हैं पर डे करंट अफेयर्स नहीं मिलते सर हिंदू में, तो उसके लिए आप क्या करिएगा कि जाइएगा अपने ये जो गूगल में वहाँ पर पीआरएस डालिएगा, ठीक है। पीआरएस में क्या रहता है कि आपको वहाँ पर जितने भी एक्ट्स और लॉस या एक्ट्स या प्रोविजन जो अमेंडमेंट पास होने वाले हैं पार्लियामेंट में, उसकी वहाँ पर आपको लिस्ट मिल जाएगी। मैं आपको एक अच्छा सोल्यूशन उसके लिए भी बताता हूँ, आप क्या करिएगा महीने के एंड में उस वेबसाइट में जाइएगा और वहाँ पर उसके डाउनलोड सेक्शन में जाइएगा, वहाँ पर पूरे एक महीने का पूरा पीडीएफ बना रहता है, ठीक है। एक महीने का पीडीएफ बना रहता है, कौन कौन से अमेंडमेंट्स आए, लॉज आए, कौन सा प्रोविजन आया या कौन सा बिल आया, तो वो सब आपको एक ही मंथ के एंड में मिल जाएगा, आप एक साथ पढ़ डालिएगा उसे, रोज रोज देखने की जरूरत भी नहीं है। फिर आप जीके टुडे में जीके क्विज को अटेंड कर सकते हैं, और करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे जाते हैं जीके टुडे में, उसको भी आप फेवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आईएएस बाबा हैं,
आईएस बाबा के बाद आपकी ये इनसाइट है, फिर विजन की मैगजीन है, इन सबको भी आप यूजुअली इनकी वेबसाइट से डायरेक्टली डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। फिर डिफेंस की न्यूज़ के लिए IDSA फॉलो कर सकते हैं, ये काफ़ी आपको हेल्प करेगी साइंस एंड टेक में जो डिफेंस का पार्ट होता है उसके लिए, तो आप इसको भी ज़रूर देखिए। बट ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वीक में आपको एक दो बार इसे देख ही लेना चाहिए। बट जो जितनी मैंने ऊपर वेबसाइट डिस्कस की उसे आप ज़रूर वैसे ही फॉलो करिए, लाइक PRS और PIB के लिए जो मैंने मेथड बताया उसको फॉलो करें, GK टुडे की और जो IAS बाबा, विजन, सिविल्स डेली, इनसाइट, इन सब की वेबसाइट को आप दिन में एक बार जरूर देख लिया करिए करंट अफेयर्स के लिए, ठीक है, काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। अब हम डायरेक्टली मूव करते हैं ऐप में, ठीक है, कि कौन कौन से ऐप्स आपको इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहला ऐप आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, आपको प्ले स्टोर में जाना है, सर्च बॉक्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डालना है, आपको प्रीएम्बल मिल जाएगा, उसके पार्ट, शेड्यूल, अमेंडमेंट्स, न्यूज आर्टिकल, सब कुछ मतलब आपको बहुत आराम से उसमें मिल जाएगा, आपको अलग से कोई बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं। यहाँ पर लोग बोलते हैं कि रियल लैंग्वेज कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़नी चाहिए, तो आपको वहीं पर अवेलेबल हो जाएगी, काफ़ी अच्छे ऐप्स अवेलेबल है, ठीक है। फिर अगला ऐप है ऑफलाइन डिक्शनरी। अब मैंने ऑफलाइन डिक्शनरी इसलिए बोला कि ऑनलाइन डिक्शनरी होती है तो लोगों के व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाते हैं, ये आ जाता है, वो आ जाता है, फेसबुक चलाने लगते हैं, तो आप सीधे ऑफलाइन डिक्शनरी रखिएगा, अप्रॉक्सीमेटली जिसमें 1 लाख से 10 लाख वर्ड हों, जैसे एक ऑफलाइन डिक्शनरी है ये, ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी डिक्शनरी है। फिर इसके बाद एवर नोट, नोट्स बनाने के लिए बहुत काम आएगा, ठीक है, उसमें यूजुअली वॉइस वाला सिस्टम भी, जिसमें आप बोल बोल के अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, जिससे आपका काफ़ी टाइम बचेगा और आपके पास टाइम कम है। फिर मैं आपको पहले भी ई पाठशाला बता चुका हूँ NCERT बुक्स के लिए, NCERT का ऐप भी स्पेशली बता चुका हूँ, एंड देन EPW, ठीक है, EPW वैसे लोग पढ़ने को मना करते हैं इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, बट मैं आपको बोलूँगा कि आप एंड में मतलब हर वीक में जो आती है उसके ऐप में जाके जो भी जो न्यूज़ आर्टिकल इंपॉर्टेंट लगे, फॉर एग्जाम्पल अगर कश्मीर कोई इशू उठा है, ठीक है, न्यूज़पेपर में गारंटेड आ रहा है, रोज़ आ रहा है, तो आप बस एक बार EPW से रीड मार लीजिएगा, उसमें आपको बैकग्राउंड से लेकर प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट और काफ़ी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। जैसे आप हिंदू में देखेंगे आपको थोड़ा बहुत लेफ्टिस्ट आइडिया मिलता है, बट EPW में राइट और पॉलिटिकल मतलब सेंटर आइडिया मिलता है, तो उस आर्टिकल में बहुत हेल्प करती है, मतलब जो भी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल के आर्टिकल आते हैं, जैसे GST पे आया था, डिमोनेटाइजेशन पे आया था, तो काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए थे EPW में, तो इसके लिए आप EPW ऐप ज़रूर अपने पास रखें। फिर इनसाइट में आपको पहले भी वेबसाइट बता चुका हूँ, तो इनसाइट का ऐप भी आता है, उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। और फिर फाइनली हमारा वन एंड ओनली हिंदू न्यूज़पेपर का ऐप तो चाहिए सबको, वरना सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, तो आप हिंदू न्यूज़पेपर का ऐप भी रखिए, इसकी रेटिंग भी देखिए 4.3 अच्छी रेटिंग है, और इसमें जो न्यूज़ है काफ़ी अच्छे से अपडेट होती है, इसमें रीडिंग मोड भी है, जैसे कि आप रात में रीडिंग मोड में डाल के पढ़ सकते हैं, आपकी आईज़ में ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होगा। एंड देन फाइनली ऑल इंडिया रेडियो, एक डिबेट सुनने के लिए, ठीक है, बस सिंपल सा 14 मिनट का डिबेट होता है, जब भी आप वॉकिंग के लिए जाए, कहीं पर भी जाए, या फ्री बैठे हो, तो यूजुअली अपने कान में एक ईयरफोन लगा लीजिए और एक डिबेट को सिर्फ 14 मिनट के लिए सुन लीजिए, आपका कोई भी टॉपिक पे, ठीक है, जो भी टॉपिक चल रहा है करंट में सुन लीजिए, और उसके यूजुअली एवर नोट के थ्रू वॉइस में नोट बना लीजिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा आपको, ठीक है। तो ये सारी ऐप्स और वेबसाइट थी जो मैंने डिस्कस की और बताया कि आप टेक्नोलॉजी को कैसे यूज़ कर सकते हैं UPSC के प्रिपरेशन में और कैसे यूजुअली सोशल मीडिया से दूर रह सकते हैं, ठीक है। तो जब आप इन सब में इन्वॉल्व हो जाएंगे तो आपको वैसे सोशल मीडिया में इतना हेल्प नहीं मिलेगा, और ज़्यादा टाइम ट्राई करिएगा कि आप ऑफलाइन ही रहें, ठीक है, अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।